जलपरी का सुनहरा लहंगा। बहुत समय पहले की बात है, हरिनगर नामक गांव में बिंदिया अपनी चाची सुलेखा के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही बिंदिया के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसी समय सुलेखा बिंदिया को अपने घर लेकर आ जाती है। सुलेखा शुरू शुरू में तो बिंदिया से बहुत प्यार करती है, लेकिन जैसे ही बिंदिया की सारी प्रॉपर्टी सुलेखा के नाम हो जाती है, वैसे ही वो बिंदिया के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। सुलेखा बिंदिया से पूरे दिन घर का काम करवाती और खाने के लिए भी पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार देती थी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती थी। एक दिन बिंदिया घर की सफाई कर रही थी, तभी सुलेखा आती है और बिंदिया को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों रे महारानी, तुझे जल्दी जल्दी घर का काम नहीं होता क्या? अभी तक इतने सारे कपड़े धोने के लिए रखे हैं और जूठे बर्तन भी साफ करने हैं, वो सब क्या तेरी मरी हुई माँ करने आएगी? जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती? खाने में तो जरा भी समय नहीं लगता और थोड़ा सा काम करने में इतना समय लगाती है, मनहूस कहीं की? चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला, तुझे और भी काम करने हैं। चाची जी, आप मुझे मेरे घर से क्यों लेकर आई? मैं अकेली ही अपने घर में रह लेती। आप मुझे अपने घर में इसलिए लेकर आई हैं ताकि आप मेरे ऊपर जुल्म और अत्याचार कर सको। पूरे दिन तो घर का काम करती हूँ। चाची जी, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो दर्द होता है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा, तो तू अपने घर जाना चाहती है? तेरा कौन सा घर है और कहाँ है? तेरा घर तो अब मेरे नाम हो गया। तुम्हारे माता पिता को इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हें मैं अपने घर क्यों लेकर आई थी? बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें इसलिए लेकर आई थी ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी आराम से अपने नाम करवा सकूं। अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब तुझे अगर इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप वैसा सुन। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह मत देख और जाकर चुपचाप से मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ। मनहूस कहीं की अपने घर जाना चाहती है। अपनी चाची की मुँह से ये बातें सुनकर बिंदिया हैरान रह जाती है कि उसके साथ ये क्या हो गया। बेचारी बिंदिया बिन माँ बाप की बेटी के पास रहने के लिए अब घर भी नहीं बचा। ना चाहते हुए भी बिंदिया अपने चाची का अत्याचार सह रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन बिंदिया खुशी खुशी अपनी चाची के पास जाती है और उनसे कहती है, चाची जी, आपको पता है आज मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन पर मेरे माँ पिताजी पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया करते थे और मेरे लिए सुंदर सा ड्रेस और बहुत बड़ा केक लेकर आते थे। क्या आप मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सस्ती सी ड्रेस दिलवा सकती हो और एक छोटा सा केक ताकि मैं अपना जन्मदिन मना सकूं? आज तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? फूलों की बारिश करवा दूं? मनहूस कहीं की बढ़िया जन्मदिन मनाने वाली, चुपचाप से जाकर घर की सफाई करना शुरू कर दे, क्योंकि कल मेरी बेटी मानवी शहर से वापस आ रही है। मेरी बेटी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हाँ, मेरी बेटी को मछली बहुत ज्यादा पसंद है, तो तू जल्दी से घर की सफाई कर ले और उसके लिए बाजार से ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आना और उसे अच्छी तरह से फ्राई करना। समझ आ गई मेरी बात? चाची जी, जन्मदिन पर इतना काम कौन करता है? आप तो मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे और ऊपर से इतना सारा काम, आप मेरे ऊपर इतना भी अत्याचार मत कीजिए चाची जी। बिंदिया के इतना कहते ही सुलेखा जोरे की थप्पड़ बिंदिया के गाल पर मारते हुए कहती है, अगर दोबारा से तूने अपनी जवान चलाई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब मेरे सामने रोकर मत दिखा और जल्दी से जाकर घर का काम कर। मनहूस, पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब आई बड़ा जन्मदिन मनाने वाली, तो जैसे मनहूस लड़की का कौन जन्मदिन मनाएगा? इस तरह बिंदिया बेचारी अपने जन्मदिन पर चाची की डांट सुनकर भी पूरे घर की सफाई करती है और सफाई करने के बाद मार्केट से मछलियां खरीदने चली जाती है। तभी रास्ते में बिंदिया एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप तो सब कुछ देख रहे हो ना, आज आपकी बेटी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर नौकरानी की तरह पूरे दिन का काम कर रही है। जब आप दोनों मेरे साथ थे तो मेरा जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाते थे। आप दोनों के जाने के बाद चाची जी ने मेरा घर भी अपने नाम करवा लिया और अब अपने घर में मुझे नौकरानी की तरह रखती है, मुझे खाने के लिए रूखा सूखा देती है,
और मेरे जन्मदिन पर मुझे एक ड्रेस तक नहीं दिलवा रही, बल्कि पूरे दिन मेरे से घर का काम करवा रही है। माँ, पिताजी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं अब और जीना नहीं चाहती, मुझसे अब और अत्याचार सहन नहीं होता। ऐसा कहकर बिंदिया रो रही होती है। तभी बिंदिया को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। बिंदिया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी बिंदिया नदी किनारे जाती है। वहाँ जाकर बिंदिया देखती है कि वहाँ एक बहुत सुंदर जलपरी नदी में से चिल्ला रही थी। तभी बिंदिया उस जलपरी से कहती है, इतनी सुंदर जलपरी, मैं अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर जलपरी पहली बार देख रही हूँ। मैंने तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा था कि पानी में जलपरी होती है, लेकिन यहाँ तो हकीकत में है। लेकिन जलपरी जी, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या परेशानी है? हाँ बेटी, हमारी नदी के नीचे एक बहुत सुंदर दुनिया है। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसे पानी के ऊपर आने की अनुमति नहीं देती। लेकिन आज वो मुझसे बिना बताए नदी के ऊपर आ गई और उसे एक मछुआरा पकड़कर अपने साथ ले गया। मैं हमेशा अपनी बेटी को समझाती थी कि नदी के बाहर जो लोग हैं, वो अच्छे नहीं होते, वो बहुत लालची होते हैं। पैसों के लिए वो सब कुछ भी कर सकते हैं। वो मेरी बेटी को जादूगरनी के हाथ बेच देगा और वो जादूगरनी मेरी बेटी को मार देगी। जलपरी की बातें सुनकर बिंदिया को बहुत दुख होता है और वो जलपरी की बेटी को बचाने के लिए मछुआरे के पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि मछुआरे जलपरी की बेटी को लेकर जा रहा था। तभी बिंदिया मछुआरे के रास्ते में कांटा फेंक देती है, जिस वजह से मछुआरा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद बिंदिया उस मछुआरे की खूब पिटाई करती है जब तक कि वो जख्मी नहीं हो जाता, और उसके बाद जलपरी की बेटी को ले जाकर नदी में छोड़ देती है। तभी जलपरी बिंदिया से कहती है, बेटी, आज मुझे समझ आ गया कि सभी लोग बुरे नहीं होते। बेटी, तुम बहुत अच्छे दिल की लड़की हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। लेकिन तुम मुझे बहुत परेशान नजर आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक लहंगा देना चाहती हूँ। ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये एक जलपरी का सुनहरा लहंगा है। इस लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम बताओ, तुम किस बात से उदास हो? जलपरी जी, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने चाची जी के साथ में रहती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और वो मेरा जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं कर रही। बस इसी बात से उदास हूँ। बिंदिया बेटी, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम ये सुनहरा लहंगा पहन लो और इसे पहनकर अपनी आंखें बंद करके ये सोचना कि तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो। उसके बाद जो होगा वो देखकर तुम हैरान हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वरना मेरी जान को खतरा है। बिंदिया जलपरी को धन्यवाद कहती है और उसके बाद जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा पहनकर अपनी आंखें बंद करती है। और जैसी ही बिंदिया अपनी आंखें खोलती है, तभी उसके सामने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई देते हैं और बीच में बहुत बड़ा केक। ये सब देखकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है। बिंदिया उन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। उसके बाद बिंदिया लौटकर अपनी चाची जी के घर नहीं जाती। वो जलपरी की दी हुई सुनहरे लहंगे से एक सुंदर सा घर मांगती है। हे सुनहरा लहंगा, मुझे एक सुंदर सा घर दे दो जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। बिंदिया के इतना कहते ही जलपरी का सुनहरा लहंगा उसे एक सुंदर सा घर दे देता है, जिसके अंदर बहुत सारे धन दौलत और सोने चांदी होता है, जिसे देखकर बिंदिया और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब बिंदिया वो सारे सोने चांदी और धन दौलत को लेकर गरीब और असहाय लोगों में बांटना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ ही दिनों बाद ये सारी बातें सुलेखा को पता चल जाता है कि बिंदिया के पास जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा है। तभी वो अपनी बेटी मानवी से कहती है, मानवी बेटा, जब वो करमजली मेरे घर से गई और वापस नहीं आई थी, तभी मुझे लगा था कि वो दर दर की ठोकरें खा रही होगी। लेकिन मुझे क्या पता था
कि उसके पास जल परी की दी हुई सुनहरा लहंगा है, जिससे वो धन दौलत और सोने चांदी लेकर गरीब और असहाय लोगों में बांट रही है और खुद भी महारानी की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। मुझे उस मनुज के घर से जलपरी का दिया हुआ सुनहरा लहंगा लेकर आना ही होगा और हम उस सुनहरे लहंगे की मदद से और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वो करम जली मनुज तो सारे धन दौलत और सोना चांदी गरीब लोगों में बांट रही है, लेकिन मैं तो किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर सुलेखा अपनी बेटी मानवी के साथ बिंदिया के घर जाती है और वह जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा चुरा कर अपने घर ले आती है और अपनी बेटी को पहनने के लिए दे देती है। जैसे ही मानवी वो सुनहरा लहंगा पहनती है, तभी उसमें से बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं, जो मानवी को डस लेते हैं और सुलेखा के सामने ही उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सुलेखा बहुत रोती है। तभी जलपरी की दी हुई सुनहरे लहंगे से आवाज आती है, सुलेखा तू बहुत लालची है, तेरे पास इतना बड़ा घर था लेकिन तूने धोखे से बेचारी बिंदिया का भी घर ले लिया। उसके बाद भी तूने बिंदिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और तो और तूने जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा भी बिंदिया के घर से चुरा लिया, लेकिन तुझे ये पता नहीं था कि सुनहरा लहंगा केवल उन्हीं लोगों के काम आता है जो ईमानदार होते हैं, जो बिल्कुल भी लालची नहीं होते, जिनका दिल साफ होता है। तेरे जैसे लालची नहीं, ये सुनहरा लहंगा लालची लोगों की मदद नहीं करता। तेरे लालच की वजह से तेरी बेटी तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। आई बात समझ? ऐसा कहकर जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा बिंदिया के पास वापस चली जाती है और बिंदिया सुनहरे लहंगे की मदद से गरीब और असहाय लोगों की खूब मदद करती है और खुद भी सुनहरे लहंगे की वजह से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है। जादुई अनोखा नारियल के पेड़ का जादू। एक समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। मीना बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो एक छोटे से झोपड़ी में रहा करती थी और उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसके बेटे और बहू की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से मीना को अकेले ही अपना जीवन गुजारना पड़ता है और मीना के पास अपना घर चलाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो इधर उधर से मांग कर ही अपना गुजारा किया करती थी। लेकिन कभी कभी जब मीना को कहीं से कुछ नहीं मिलता था तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था, क्योंकि मीना को अब किसी का कोई सहारा नहीं था। वो अकेली ही उस झोपड़ी में रहा करती थी और अक्सर अपने झोपड़ी के सामने लगे नारियल के पेड़ से बातें किया करती थी, जो उसके बेटे और बहू ने मिलकर लगाया था। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझसे पहले मेरे बेटे और बहू को अपने पास बुला लिया। अरे वही तो मेरे बुढ़ापे का एक सहारा थे, लेकिन भगवान ने तो उन्हें भी अपने पास बुला लिया। अब पता नहीं मैं अपने बचे कुचे दिन कैसे काट पाऊंगी। मेरे पास तो करने के लिए कोई काम भी नहीं है, भला मैं अपना पेट कैसे पाल पाऊंगी, या ऐसे ही मुझे हमेशा भूखा ही सोना पड़ेगा। उसी समय मीना की नजर उस नारियल के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर खूब सारे नारियल लगे हुए थे, और ये देखकर मीना कहती है, अरे वाह, इस पेड़ पर तो खूब सारे नारियल लगे हुए हैं, मैंने पहले क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया। चलो एक नारियल उतार कर इसका पानी पीकर देखती हूँ, शायद शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए। उसके बाद मीना अपने हाथ में एक डंडा लेकर आती है और नारियल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नारियल का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, जिसकी वजह से मीना वो नारियल नहीं तोड़ पा रही थी। हे राम, ये नारियल का पेड़ तो कितना ऊंचा है, मुझसे तो एक भी नारियल नहीं टूट रहा। इतना कहकर मीना काफी देर तक कोशिश करती है, लेकिन उससे वो नारियल नहीं टूटता। उसी समय वहाँ से रमेश नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है, तभी मीना उससे कहती है, अरे बेटा मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, क्या तुम इस नारियल के पेड़ से मेरे लिए एक नारियल उतार सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे ये नारियल टूट ही नहीं रहा।
और ना मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकती हूँ। तो बेटा, क्या तुम मुझे एक नारियल तोड़कर दे सकते हो? बदले में तुम अपने लिए भी एक नारियल तोड़ लेना। मीना की बात सुनकर उस आदमी ने ऐसा ही किया। उसने एक नारियल तोड़कर मीना को दे दिया और दूसरा नारियल तोड़कर वो अपने साथ अपने घर ले गया। वो उस नारियल का पानी पीता है तो वो कहता है, अरे वाह, नारियल का पानी तो बहुत ही मीठा और अच्छा है। मैंने आज तक कभी ऐसा नारियल का पानी नहीं पिया। इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। वहीं दूसरी तरफ जब मीना वो नारियल का पानी पीती है तो वो कहती है, अरे ये नारियल का पानी तो बहुत ही अच्छा है, और हो भी क्यों ना, ये मेरे बेटे और बहू ने मिलकर जो लगाया था, जैसे मानो उनके प्यार की मिठास इस नारियल पानी के अंदर आ गई हो। पर पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं इस नारियल के पेड़ पर ध्यान दिया। मैं तो ये नारियल पानी को बेचकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन मैं इन नारियल को तोड़ूंगी कैसे? इतना कहकर मीना सो जाती है। और उसके अगले दिन सुबह उठकर मीना उस नारियल को तोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन मीना की लाख कोशिश के बावजूद भी उससे वो नारियल नहीं टूटते। और उसी समय मीना की नज़र फिर से रमेश पर पड़ जाती है और वो उसके पास जाकर उससे कहती है, अरे बेटा, क्या तुम आज फिर से मेरे लिए नारियल तोड़ सकते हो? लेकिन आज मुझे कल से ज्यादा नारियल चाहिए। इसके बदले तुम दो नारियल ले सकते हो। अरे आपने क्या मुझे पागल समझा है? मैं आपके लिए इतना ऊपर क्यों चढ़ूं? भला इसमें मेरा क्या फायदा? आप तो मुझे बस दो नारियल का लालच देकर मुझसे इतने सारे नारियल तोड़वा रही हो। अरे बेटा, मैं ये नारियल नहीं तोड़ पाती, इसलिए तुमसे मदद मांग रही हूँ बस। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त है कि जितने नारियल मैं तुम्हारे लिए तोड़ूंगा उसका आधा मैं अपने लिए भी तोड़ूंगा। मीना के पास रमेश की बात मानने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था, इसलिए वो रमेश की बात चुपचाप मान लेती है। ठीक है, जैसा तुम कहो, तुम मेरे लिए 20 नारियल तोड़ दो। मीना के इतना कहते ही रमेश नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और मीना के लिए 20 नारियल और अपने लिए 10 नारियल तोड़कर नीचे उतर जाता है। और मीना वो सारे नारियल लेकर एक सड़क के किनारे उसे बेचने के लिए बैठ जाती है। उसी समय वहाँ से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजर रही होती है और उन ताजे ताजे नारियल पानी को देखकर वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। और उस गाड़ी में से एक अमीर आदमी उतरता है और मीना से कहता है, अरे अम्मा, एक नारियल पानी देना। तो उसके बाद मीना उस आदमी को एक नारियल पानी दे देती है और वो आदमी नारियल पानी पीते ही कहता है, अरे वाह, ये नारियल पानी तो बहुत ही मीठा और ठंडा है। मैंने आज तक कभी भी ऐसा नारियल पानी नहीं पिया। इसका स्वाद तो सबसे अलग है। अरे अम्मा, आपके इस नारियल पानी के कितने रुपए हुए? 100 रुपए बेटा। ये लो अम्मा, 1000 रुपए। आपका ये नारियल पानी बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप मुझे 10 नारियल पानी और दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। इतना कहकर मीना 10 नारियल उस आदमी को दे देती है और पैसे लेते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और इसी तरह मीना के सारे नारियल पानी बिक जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रमेश भी वो सारे नारियल बाजार में बेच आता है और उसकी भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और ये देखकर वो कहता है, आज तो मजा ही आ गया, आज तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई, वो भी उन नारियल की वजह से। लेकिन अगर मैं उस नारियल के पेड़ से सारे नारियल तोड़ लूं, तो मेरी इससे भी ज्यादा अच्छी कमाई होगी, वरना तो वो बूढ़ी औरत उन सारे नारियल को तोड़कर बेच देगी और मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। चलो ऐसा करता हूँ, आज रात को ही चुपके से उसके नारियल के पेड़ से सारे नारियल तोड़कर अपने घर ले आता हूँ, फिर कल सुबह उन्हें बाजार में बेच आऊंगा, इससे मेरा बहुत फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ मीना आज बहुत खुश थी क्योंकि बड़े दिनों बाद वो पेट भर खाना खा पाएगी। अगर आज ये नारियल का पेड़ नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता, मुझे रोज ऐसे भूखा ही रहना पड़ता। इतना कहकर मीना खाना खाकर सो जाती है और आधी रात होते ही
रमेश चुपके से आकर वो नारियल तोड़ने की कोशिश करता है। अरे हमने तो सुबह इतने सारे नारियल तोड़े थे, लेकिन फिर भी ये नारियल का पेड़ पूरा भरा हुआ है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मुझे अंधेरे में कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। चलो पहले चढ़कर नारियल तोड़ लेता हूँ। उसके बाद रमेश उस नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना भी ऊपर चढ़ता उतना ही वो नीचे आ जाता। और ऐसे ही रमेश काफी देर तक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नारियल के पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। अरे ये अचानक मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं इतनी देर से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चढ़ ही नहीं पा रहा। आखिर ये हो क्या रहा है? इतना कहकर रमेश एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और उस डंडे की मदद से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है। और वो खूब सारे नारियल तोड़ लेता है और उन्हें एक बोरी में भरकर अपने घर ले जाता है। आज तो मजा ही आ गया, अब मैं ये सारे नारियल कल बाजार में ले जाकर बेच दूंगा, फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इतना कहकर रमेश अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और जब अगली सुबह मीना उठती है तो देखती है कि उसके नारियल के पेड़ के पास बहुत सारे नारियल नीचे गिरे हुए थे। और ये देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, लगता है शायद कल रात को आंधी तूफान आया था, इसलिए तो ये सारे नारियल अपने आप ही टूटकर नीचे गिर गए। इतना कहकर मीना जब नारियल के पेड़ के ऊपर देखती है तो वो नारियल का पेड़ अभी भी पूरा नारियल से भरा हुआ था। और ये देखकर मीना हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये नारियल का पेड़ तो किसी जादुई पेड़ से कम नहीं है, क्योंकि हमने कल भी इतने सारे नारियल तोड़े और आज नीचे भी इतने सारे नारियल पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये नारियल का पेड़ पूरा का पूरा नारियल से भरा हुआ है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतना कहकर मीना उन सारे नारियल को इकट्ठा करती है और सड़क के किनारे फिर से उन्हें बेचने के लिए बैठ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब रमेश सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी नारियल की बोरी पूरी तरह से खाली थी। और ये सब देखकर रमेश घबरा जाता है और वो भागकर वापस मीना के पास जाता है और कहता है, अरे अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपसे एक भी नारियल नहीं लूंगा, बल्कि आप जितने कहोगी मैं उतने नारियल आपके लिए तोड़ दूंगा। लेकिन बेटा मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कल रात आंधी की वजह से अपने आप ही इतने सारे नारियल टूट कर गिर गए हैं, अब तो मैं कई दिनों तक इन्हें ही बेचूंगी। मीना की बात सुनकर रमेश जब नारियल की तरफ देखता है तो वहाँ पर नारियल का ढेर लगा होता है और नारियल का पेड़ भी पूरी तरह से नारियल से भरा होता है। और ये सब देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली नारियल का पेड़ नहीं है, बल्कि कोई अनोखा जादुई नारियल का पेड़ है। इसलिए वह चुपचाप वहाँ से सर झुकाकर चला जाता है। और उस दिन के बाद से मीना की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसके जिंदगी में अब किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, वो नारियल का पेड़ उसके जीवन जीने की वजह बन जाता है। और अब मीना के पास बहुत सारे पैसे थे, जिससे वो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी किया करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।